और पहले तो सरकार तो कह रही थी कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पर धीरे धीरे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि हम राजा को जेल भेजें, भेज दिया। फिर कन्नीमोड़ी की बात रही, उसको भी भेज दिया। मारन की बात आई, उसके भी एक दो हफ्ते में वो भी जेल चल जाएगा। चिदंबरम को भी भेजा जाएगा, वो बचेगा नहीं। ट्रायल कोर्ट में कर नहीं सकता, इसके मतलब में सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने वो जो लाइसेंस कैंसिल हुई है वो भी मैं हाई कोर्ट में हार गया था। सैंक्शन की बात थी, हाई कोर्ट में हार गया था, पर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो मेरे पक्ष में ऑर्डर दी थी, वैसे ही इसमें भी चिदंबरम का छुट्टी होगा, वो भी अंदर ही जाना पड़ेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सिर्फ एक कंप्लेंट आई है मुझे तिहाड़ जेल से, वो सुप्रीमेंट ने मेरे दोस्त को कहा कि स्वामी को बुलाओ कि हमारे बावर्ची बहुत नाराज है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि ये मद्रासी ही अंदर भेज रहा है और सब लोग मसाला डोसा इडली मांग रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कैसा करना है। मैंने कहा कल वो इटालियन भेज दो और पिज्जा मांगेगी तो क्या? है क्योंकि 60,000 में जो 60% जो रिश्वत है उसको मिला और हम उसको भी सिद्ध कर देंगे। और परंतु ये जानिए कि मैं अकेला काम कर रहा हूं, मेरे पास कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कुछ नहीं है, सारे कागज सर तैयारी और बहस सब मुझे करना होता है, इसीलिए मैं एक एक को ले रहा हूं, एक को हजम करके। परंतु आप कल मुझे सर कल पर तो कल आप सरकार दे दोगे तो मैं सबको एक साथ पकड़ के अंदर। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि मूलतः हमारी संस्कृति है जो हमें भ्रष्टाचार से बचा सकती है, इधर उधर लोगों को पकड़ के अंदर करने से पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालीन में जिस दिन हम ये पैसे पैसा के और दौलत के और धन के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, ये संस्कृति वापस लाएंगे जो सनातन धर्म की संस्कृति है। और जब हम त्याग के लिए हम महत्व देंगे तब हमारे देश में हम संस्कृति भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। इसीलिए इस कारण से भी